और अब बात राजधानी देहरादून की। देहरादून में पुलिस ने चैन स्नैचिंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी 3 जुलाई को एक बुजुर्ग महिला की चैन लूटकर फरार हो गए थे। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने इस धरपकड़ की जानकारी दी है। बहरहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 3 जुलाई को सायंकाल लगभग 6:30-7 बजे के बीच में नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो 32 अपर 32 कॉलोनी है वहाँ पर एक चैन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी और हमारे टीम ने उसी समय से लग करके लगभग 75 हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके जो है इसमें दो अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं और उसमें जो है आपका जो मोबाइल जो चैन स्नैचिंग जो घटना हुई थी उसको चैन को बरामद किया गया है। जो स्कूटी इसमें इस्तेमाल किया गया था वो भी बरामद हुआ गया है। दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है और टीम को मेरे द्वारा 5,000 का इनाम।